हेलो भाई, जिस साइड सागर आ गए हो मैं एक और नई वीडियो लेके। आप जैसे कि देखा, ये सब कुछ खुला हुआ है, स्टीरियो वगैरह। तो बताना चाहूँगा, ये अपना शिकागो का एम्प है, 4 चैनल। आज की इस वीडियो में हम इसे इंस्टॉल करके दिखाएंगे। मैं इसमें आपको कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा, किस तरीके से वायरिंग करनी है अपने स्पीकर की भी और अपनी बेस ट्यूब की भी। जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। गाइज बता दूँ, अगर आपको वायर का पता नहीं चल रहा कौन सी स्पीकर की कैसी है, तो आप हमारे स्टूडियो में जो होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में एक अलग से फीचर होता है। जैसे कार सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे आप, तो यहाँ डिवाइस पोर्ट के नाम से दिख रहा होगा। इसमें जाते ही ये तो आपका ऑक्स वगैरह का हो गया है, इसमें नहीं जाना हमें। हमें जाना है इस वाले में। इसमें जाते ही हमें सारी पिंस के बारे में पता चल जाएगा कौन सी पिन किस चीज़ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 से लेके A4 तक फ्रंट स्पीकर है सारे, फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट माइनस लेफ्ट राइट, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ 13 से लेके 16 तक, ये रियर स्पीकर है, मतलब पीछे वाले। तो यहाँ से आप दोनों स्पीकर देख सकते हैं कौन से पिन पे कौन से जगह पे है ये, ठीक है। और क्या करना है हमें, एक हमें देखना है ये की वाला। जैसे यहाँ पे 5 पे लिखा हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे A5 पे लिखा है key 1, क्योंकि एम एक रिमोट के नाम से भी लिखा रहता है, REM जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी रहती है। उसमें एक वायर यहाँ से कनेक्ट होगी, जैसे हमारा स्टूडियो ऑन होगा तभी हमारा एम भी ऑन हो जाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा एम पे लगातार ऑन रहेगा, वो हमें करना नहीं, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी उससे। तो हम अब चले जाते हैं पीछे। यहाँ से ये वायर है, मैं बताया तो कौन कौन सी वायर है। जो ऊपर की ये दो है वाइट वाली, ये स्पीकर की है क्योंकि इसमें 8 वायर होती है, और ये दो इधर है और बाकी दो नीचे है। ये दो पिंक वाली अलग हो गई है और ग्रीन वाली अलग है। इसमें बताना चाहूँगा, इसमें एक वाइट कलर की आपको स्ट्रिप दिख रही होगी, कि इसमें जो ये वाइट कलर की स्ट्रिप है, इससे ये पता चलता है कि ये नेगेटिव वाला है वायर है, और ये जिसमें प्लेन है ये अपनी पॉजिटिव है। तो ऐसी ये सब में हो रही है, लाइन आ रही है, देख सकते हैं आप। ये इसमें ग्रे वाली में भी है। तो ये हम सारी वायर को एक बार यहाँ से थलकल कर कट मार देंगे, और इसमें अपनी जो वायर है ये हम लाए हैं, ये अपनी लाए हैं गाड़ी के लेंथ के अकॉर्डिंग लाए हैं। तो ये ऐसी हमारी 4 वायर जाएगी पीछे। तो यहीं से इसको कट मार के इसमें वायर में एक साइड हम यहाँ पे गार्ड बांध देंगे, ताकि हमें पता रहे नेगेटिव कौन सा है। तो इसको मैं कट करके आपको जोड़ के दिखाता हूँ एक स्पीकर की वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, वायर मैंने यहाँ से कट कर ली है। 8 वायर है ये अपने स्पीकर की है, ये जो अपने गाड़ी के पीछे तक जाएंगे। ये दो दो वायर सब में जुड़ेगी, आप देख सकते हैं दो दो वायर मैंने अलग कर लिए यहाँ पे। इनमें हमें प्लस माइनस देखते हुए दोनों वायर जोड़नी है, और वो वायर पीछे तक जाएगी। और जो ये बची हुई वायर है इसमें हमें टेप लगा देनी है। और बताना चाहूँगा, ये वायर मैंने यहाँ से इसलिए काटी है, पीछे से क्यों नहीं काटी है, क्योंकि ये कपलर है अपना, ये हम इसको कभी भी हटा सकते हैं। और पीछे हमारी ओरिजिनल वायर है, इसलिए हम मैंने उसे कट नहीं करा, क्योंकि ये कपलर तो हमें मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा महंगा आएगा नहीं, क्योंकि हम इसे अपने बाद में भी जोड़ सकते हैं वायर को। ये देखिए, मैं वायर ले आऊँ, मैं इसमें मैंने एक साइड यहाँ पर टेप मार दी ब्लैक कलर की, ताकि ये जो ब्लैक इसमें जो लाइन आ रही है इससे, ताकि हमें पता चल जाए ये नेगेटिव है। अब यहाँ से मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये देखिए यहाँ से जोड़ दिया। अब दूसरी भी जोड़ देते हैं, ये देखिए दोनों लग गए। इनमें अब टेपिंग कर देंगे अपनी, देख सकते हैं मैंने ये 4 वायर इसमें जोड़ ली है, ये देख सकते हैं। अब मैं इनमें एक काम करूँ, इन सब में एक साथ टेप मार लूँगा, तो हमें पीछे तक ले जाने में कोई दिक्कत ना आए, और ना ही ये आगे खींचने वींचने से ब्रेक होगी। ये पूरी एक साथ हो गई अब, और ये जो बची हुई वायर थी कटी हुई, इस पर मैंने ऐसे टेप लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इस वायर को अंदर अंदर से पीछे तक ले जाना है। तो मैं पीछे तक पहले वायर ले जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वायर डाल दी है, अब इधर आ गई है ये वायर कनेक्ट कर दी हमने यहाँ से। अब हमें क्या करना है, एक ऑक्स केबल भी लेनी है। हमने ऑक्स केबल इसमें डाल रखी है पहले से ही, ये ऑक्स केबल है, और यहाँ पर इसके वायर्स पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियो आउट L, दिख रही होगी आपको, और एक लिखी है ये वाली ऑडियो आउट राइट, ठीक है। हमें इस पे लगाना है, ऑक्स वाले पे नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ऑक्स के नाम से भी रहता है कनेक्टर, तो उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्स इन, इसमें नहीं लगाना है हमें, क्योंकि इस पे लगा दोगे तो कुछ उसका फिर फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों छोड़ के हमें ऑड आउट वाले में ही लगाना है। तो इसमें मैंने यहाँ से इसके ऑक्स लगा दिए। अब हम चलते हैं अपने वायरिंग, मैंने आपको दिखाई दी है कैसे लगानी है ये।
ये वायर यहाँ से जा रही है पीछे, और ये हमने टेप लगाई दी है। जो इसकी रिमोट वाली वायर है ये मैंने यहाँ लगा दी है। अब इसको हम लगाते हैं अपने, अब एम की तरफ जाते हैं। इसको लगाने के बाद स्टीव लग चुका है, हम अपने एम की तरफ जाते हैं। आपको वायरिंग समझाता हूँ किस तरीके से करनी है। ये देखिए हमने एक तार यहाँ पे बैटरी में लगा दिया, और बीच में हमें फ्यूज जरूर लगाना है, क्योंकि अगर फ्यूज नहीं लगाएंगे तो वायरिंग में आगे कहीं शॉर्टिंग अगर हो जाती है, कहीं स्पार्क हो जाता है, तो यहाँ से आपकी पूरी वायरिंग जल सकती है। तो हमें फ्यूज लगाना बहुत जरूरी है, इससे हमारा एम भी सेफ रहेगा और गाड़ी भी सेफ रहेगी। तो ये बैटरी से एक वायर लेके हम पीछे तक ले जाएंगे, बिल्कुल जहाँ तक एम तक जाएंगे, और ये आपको बैटरी में ध्यान रखना है, ये प्लस की तरफ ही लगाना है, बैटरी की नेगेटिव साइड नहीं लगाना है, पॉजिटिव साइड लगाना है। तो हम अपने पीछे एम की तरफ जाते हैं, पूरी वायरिंग आपको समझाता हूँ मैं। ये एम पे हमारा शिकागो का, इसमें आपका ये मॉडल नंबर है इसका CA706। ये एक क्लास ए बी एम्पलीफायर है, 6000 वाट है इसकी मैक्सिमम आउटपुट। तो मैं आपको इसकी वायरिंग समझा देता हूँ क्या क्या है। 1 2 3 4, ये चार अपने स्पीकर है, उसकी फोर वायर आ रही है। तो हमें क्या करना है, अपनी चार वायर लानी है यहाँ तक एम के कनेक्टर तक। दो स्पीकर की एक साथ कर दिया मैंने, मतलब लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड कर दिए आगे पीछे के, फ्रंट और रियर के, और राइट साइड वाले फ्रंट एंड रियर के एक साथ कर दिया मैंने, क्योंकि हमारा फोर्थ चैनल एम्प है, हमें इसमें बेस ट्यूब भी चलानी है। अगर हम बेस ट्यूब नहीं चलाते तो हम इसको दूसरी जगह लगा सकते थे, तो इसलिए मेरे को बेस ट्यूब चलानी थी, इसलिए मैंने एक अपना ब्रिज कर दिया। ये देख सकते हैं, ये बेस ट्यूब की वायर है, ये मैंने एक यहाँ पे नेगेटिव वाले में लगा दी है, और एक आपने लास्ट में लगा दी है पॉजिटिव वाले में। और ये जो अपनी वायर आ रही है तीन, ये बताना चाहूँगा, एक आपकी ये नेगेटिव वाली है जो हमने अर्थ कर दिया है, दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मैंने सीट के नीचे एक वायर लगा रखी है, ये दिख रही होगी आपको, ये मैंने ग्राउंड कर दिया है। और ये अपनी रेड वाली है, ये रिमोट की बताई थी मैंने अभी आपको, जो स्टीरियो से आ रही है, जब भी हम चाबी ऑन करेंगे स्टीरियो जैसे ही ऑन होगा तभी हमारा एम्प ऑन हो जाएगा। और ये अपनी जो बैटरी से आ रही है, यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा अगर आपको दिख रहा होगा, तो सब में नीचे लिखा हुआ है, यहाँ बैटरी की साइन आ रहा है तो बैटरी पॉजिटिव है। फिर उसके आगे रिमोट की लिखा हुआ आ रही है, मैंने पहले भी बताया था आपको, और उसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड मैंने कर ही दिया है। और यहाँ देख सकते हैं पावर भी आ गई है इसमें, और हमने जो ऑक्स आई थी हमारी, ऑक्स में आप देख सकते हैं मैंने इस साइड लगा दी है इसकी, ये देखिए ऑक्स मैंने इस साइड लगा दी है 1 एंड 2 चैनल में। अगर आपके में ये मोड वाला फीचर नहीं है, अगर आपके एम्प में, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2 3 4, अगर ये नहीं हो तो आपको यहाँ से दो और लगाने पड़ेंगे तभी आपका दोनों चलेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं और एक इस साइड लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, स्पीकर तो सारे चल जाएंगे लेकिन इसमें थोड़ी वॉल्यूम कम आएगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों तरफ ही ऑक्स लगानी पड़ेगी। और यहाँ से इसकी सेटिंग आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका जो लेवल है, लेवल आपको अपने साउंड सुनने की आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, उस हिसाब से लेवल रखनी है इसकी। और ऊपर वाला हमने जो कर रखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है 3 4 3 4 हमारा स्पीकर का है, और नीचे जो 1 2 है ये अपना बेस ट्यूब का है। यहाँ मैंने लो पास पे कर रखा है, ये बीच में दिख रहा होगा, तो इसमें मैंने बीच में कर रखा है, और इसको मैंने हाई पास फिल्टर में, हाई पास फिल्टर में क्या होगा, हमारी मिड लो होती है सारी कट जाएगी, सीधा हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी, उससे क्या होगा अपनी क्रिस्पीनेस भी आएगी साउंड में, और फटती है जैसा वो भी नहीं फटेगी। और बेस ट्यूब तो हमारी लगी रही है, तो इसलिए मैंने उसको लो पास पे कर दिया है। हमें इनकी फ्रिक्वेंसी अपने कान से सुनते हुए करनी है इनकी, ना ज़्यादा फटनी चाहिए, और गेन भी हमें इसी तरीके से करना है। इसको मैंने सेकंड पे करा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें सेकंड में लगा रखा है, ये ऑक्स, एक ही ऑक्स से हमारा काम हो रहा है। ये देख सकते हैं इसमें लाइट भी आ रही है, दिख रही होगी आपको। अब मैं इसका एक बार साउंड चला के दिखाता हूँ आपको कैसी क्वालिटी आती है। तो ये बेस ट्यूब है, देखो इसके तार आ रहे हैं यहाँ पर वायर के, और ये मैंने यहाँ लगा रखे है। देखो ये येलो वाला मैंने पॉजिटिव रखा था, आगे भी आपको दिखाया था मैंने, और वाइट वाला मैंने नेगेटिव रखा है। ये अपनी बेस ट्यूब की वायरिंग आ गई है, यहाँ से पीछे सीट के पीछे से हमने लेकर आए वायर ये। गाइस मैं आपको एक एडिशनल बात बताया था, अगर आपको स्पीकर अगर वायर जोड़नी है तो हमें चेक कैसे करना है कौन सा कहाँ का है। तो हमें एक एक स्पीकर की वायर लेनी है, नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने देखो टेप लगा रखी है यहाँ पे, तो मैंने नेगेटिव वाली पे टेप लगा रखी है, और इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड में नेगेटिव मैंने टेप लगा रखी है। हल्लो उल्टा लगा देंगे तो हमें आवाज स्पीकर की बहुत दबी दबी सुनाई देगी, और उससे हमें फिर मजा भी नहीं आएगा। तो इसको हम बात को ध्यान रखते हुए हमें लगाना है ये पॉजिटिव नेगेटिव, हमें स्पीकर कैसे चेक करने, कौन सा राइट का लगाना है कौन सा लेफ्ट में लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एक स्पीकर की वायर टेस्ट करके देखनी है यहाँ पर गाने चलाते हुए कि कौन सा बज रहा है, राइट के एक साइड कर देना है हमें, लेफ्ट के एक साइड कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो वायर जुड़ी हुई है, तो दो राइट की है दो लेफ्ट की है। तो इसी तरीके से हमने सिंपल वे में लगा देना है, कोई इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नीचे भी लिखा हुआ है।
इसमें आपको जैसे चेक करना है तो बताया तो मैं, इसका तरीका सिंपल है। यहाँ से जैसे लिखा हुआ है A1 प्लस लिखा हुआ है फ्रंट, A2 पे माइनस लिखा है। हमें इसी बात को ध्यान रखते हुए आगे भी हमें टेप लगाने नहीं है स्पीकर के वायर पे, और जो पीछे लगा रहे हैं उस पर हमें टेप लगाने है। टेप कोई से भी करके ला सकते हैं, बस हमें ये जानना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है उसी चीज के लिए। अगर आप उल्टा लगा दो तो साउंड में मजा नहीं आएगा आपको, तो हमें इन चीजों को देखते हुए अपने वायर कनेक्शन करनी है। अब की का मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे Key 1 पे हमें लगा देनी है, चेक कर लेना है हमें कौन से पावर आ रही है। तो मैं आपको एक सैंपल सुनाता हूँ मैं साउंड का। जैसा कि आपने सुनी लिया है साउंड, मैंने अब आपको दिखाई दी है कितनी बढ़िया साउंड हो गई है पहले से, और बेस भी अपना बहुत तगड़ा आ रहा है, और साउंड की क्वालिटी आपने देख ली है, इतनी क्रिस्पीनेस आ रही है, वोकल भी एकदम बढ़िया सुनाई दे रहे हैं हमें। पहले क्या हो रहा था कि पहले हमारी साउंड थोड़ी दबी दबी है, जैसे मैंने अभी 20 पे करके दिखाई थी हमारी, ये फुल से भी मतलब ये है ना, फुल पे भी नहीं आ रही थी ये साउंड, और आवाज पहले फट रही थी फुल करने पे। अगर मैं आपको फुल करके भी दिखाऊं तो फुल करके दिखाता हूँ भी आपको, बहुत ज्यादा ही साउंड हो जाएगी। देखिए मेरी आवाज भी आपको सुनाई नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा हो गई है। हमें क्या करना है, अपना जो एम्प जो बीच में रखा हुआ है सकते हैं यहाँ, हमें इसे बस सीट के पीछे कर देना है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा मेरी गाड़ी में आगे की साइड जगह नहीं थी सीट में, देख सकते हैं, तो इसलिए हम पीछे वाली सीट के नीचे रखेंगे इसे। बहुत ही सिंपल है, इसको पकड़ के बस अपने को पीछे कर देना है, ये रह रहा है ये लगा देना है। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कार रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं। ऐसी मेरी वीडियोस और देखते रहिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।